प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप कुशल पूर्वक होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा समृद्ध रहे, सुखी रहे एवं स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, आज आपको हम वन पार्टी डोमिनेंस जो लेसन आपका चल रहा है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम आपको समझा रहे हैं। तो आज हम जिन क्वेश्चनों को आपको समझाएंगे उसमें आपको सबसे पहले हम समझाएंगे कि वन पार्टी सिस्टम एंड वन पार्टी डोमिनेंस में डिफरेंस क्या है। सेकंड, कुछ हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके अंदर डिफरेंसेस आज आपको बताएंगे, जैसे सोशलिस्ट पार्टी एंड कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी। और एक क्वेश्चन हम आपका आज मैप का देंगे। इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से पहले वीडियो को देखते हुए समझेंगे और इसके उसके बाद अपने फेयर नोटबुक में इन क्वेश्चंस को कर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अगर सेंड करेंगे। तो देखते हैं आज जो वन पार्टी डोमिनेंस के क्वेश्चन क्या है। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले डिफ्रेंसिएट बिटवीन वन पार्टी डोमिनेंस एंड वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी डोमिनेंस एंड वन पार्टी सिस्टम, एक तो वन पार्टी डोमिनेंस का मतलब होता है एक पार्टी का वर्चस्व या एक पार्टी का प्रभुत्व, और एक होता है वन पार्टी सिस्टम, एक दलीय प्रणाली। इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब इसको आपको हम समझा रहे हैं, जैसे वन पार्टी जो डोमिनेंस होता है उसमें क्या होता है, वन पार्टी डोमिनेंस के अंदर कि देश के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनको स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव में पार्टिसिपेट करने का अधिकार होता है, और कोई भी पार्टी सरकार बना सकती है। जिस पार्टी को मेजोरिटी प्राप्त होती है वो सरकार बनाती है। लेकिन हमने देखा कि भारत के अंदर स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत को लगातार 3-4 आम चुनावों के अंदर केवल कांग्रेस पार्टी की ही जीत हुई, दूसरी पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाई। तो हमने देखा कि काफी लंबे समय तक केवल एक पार्टी का ही शासन रहा, तो ये कहलाता वन पार्टी डोमिनेंस, एक दलीय या एक पार्टी का वर्चस्व कहलाता है। इसी तरह से वन पार्टी जो सिस्टम है, वन पार्टी सिस्टम के अंदर क्या प्रोविजन है, इसके अंदर क्या कि संविधान के द्वारा ये या संविधान के अंदर ये प्रोविजन होता है कि किसी भी देश के अंदर केवल एक ही दल को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है या शासन चलाने का अधिकार होता है या सरकार बनाने का अधिकार होता है। जैसे क्यूबा है, चीन है, सीरिया है, उनके अंदर केवल एक ही पार्टी को शासन करने का अधिकार होता है संविधान के द्वारा। संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि देश के अंदर केवल एक ही पार्टी शासन करेगी, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के अंदर है, इसी तरह क्यूबा या सीरिया के अंदर वन पार्टी सिस्टम है। इसी तरह जो वन पार्टी जो डोमिनेंस है इसके अंदर हम आपको एग्जांपल देते हैं, भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो शासन है वो लगातार चलता रहा है। अब तक जितने ज्यादातर जो चुनाव हुए उसके अंदर कांग्रेस पार्टी की ही जीत हुई है और कांग्रेस पार्टी ने ही ज्यादातर लगातार शासन किया है, तो ये कहलाता है वन पार्टी डोमिनेंस। तो इसमें आपको अच्छी तरह से समझना है कि वन पार्टी डोमिनेंस क्या है और वन पार्टी सिस्टम क्या है, इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। तो देखेंगे इसमें वन पार्टी डोमिनेंस रिफर टू द रिप्रेजेंटेशन ऑन बिहाफ ऑफ पॉपुलर कॉन्सेंस अलोंग विद फ्री एंड फेयर इलेक्शन। देखो वन पार्टी जो डोमिनेंस होता है वो क्या होता है, इसके अंदर देखो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो को स्वतंत्रता होती है निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव में पार्टिसिपेट करने की। एंड जिस पार्टी को दैट इज कांग्रेस इन इंडिया, जैसे कांग्रेस भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी है, वो इलेक्शन जितने भी होते हैं उसके अंदर ज्यादातर इलेक्शनों के अंदर कांग्रेस पार्टी की ही जीत हुई है। तो जो रिप्रेजेंटेशन करती है, अभी तक जो प्रतिनिधित्व करती आ रही है भारत के अंदर वो कांग्रेस पार्टी ही करती आ रही थी। लगातार 3-4 जो जनरल इलेक्शन हुए थे, फर्स्ट 3-4 जो जनरल इलेक्शन थे उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो जब किसी भी पार्टी, देखो इसमें ये ध्यान रखना है वन पार्टी डोमिनेंस में सभी पार्टियों को स्वतंत्रता होती है कि वो चुनाव में पार्टिसिपेट करें, लेकिन कोई और दूसरी पार्टी
जब चुनाव को नहीं जीत पाती है तो केवल एक पार्टी का ही शासन चला आता है, उसको वन पार्टी डोमिनेंस कहते हैं। लेकिन वन पार्टी सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं, वहां संविधान में ही लिखा गया है कि केवल एक ही पार्टी शासन करेगी, सरकार बनाएगी। तो वन पार्टी सिस्टम रिफर रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिस फ्रॉड। जो वन पार्टी सिस्टम होता है वो बहुत ही ज्यादा जो माल प्रैक्टिस होती है फ्रॉड के द्वारा उस पार्टी को बनाया जाता है, संविधान के अंदर संशोधन कर दिया जाता है, फ्रॉड किया जाता है, जिसके कारण से केवल एक ही पार्टी इलेक्शनों के अंदर जीत पाती है। तो बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिस एंड फ्रॉड इटीसी एम्स ऑन विनिंग ऑफ ए पार्टिकुलर पार्टी, किसी एक पार्टी को जिताने के लिए फ्रॉड किया जाता है, माल प्रैक्टिस की जाती है ताकि वो पार्टी जीत जाए। और संविधान में ऐसा प्रावधान किया जाता है कि केवल एक ही पार्टी का शासन होगा, बाकी देश के अंदर चाहे कितनी भी पार्टी क्यों न हो केवल एक ही पार्टी का शासन रहेगा, संविधान में ऐसा प्रावधान किया जाता है, तो वो कहलाता है वन पार्टी सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्री डिफरेंस बिटवीन सोशलिस्ट पार्टी एंड कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी और साम्यवादी पार्टी को पार्टियों के अंदर क्या डिफरेंट होता है। देखो दोनों ही पार्टियों के अंदर आइडियोलॉजीज की डिफरेंसेस होती है, विचारधाराओं का अंतर होता है और विचारधाराओं के आधार पर ही पार्टी की पहचान होती है। तो जो सोशलिस्ट पार्टी होती है, दिस पार्टी बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। जो सोशलिस्ट पार्टी होती है वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंदर विश्वास करती है, जबकि जो कम्युनिस्ट पार्टी, दिस पार्टी बिलीव्ड इन कम्युनिज्म। जबकि जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है वो साम्यवाद में विश्वास करती है। नेक्स्ट है सोशलिस्ट पार्टी क्रिटिसाइज कैपिटलिज्म। जो समाजवादी पार्टी होती है वो पूंजीवाद का विरोध करती है, एंड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट स्टेट, और एक समाजवादी राज्य की स्थापना करने के प्रति अग्रसर होती है। तो सोशलिस्ट पार्टी क्रिटिसाइज कैपिटलिज्म, किसका किसका विरोध करती है, कैपिटलिज्म का, एंड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट स्टेट। जबकि जो कम्युनिस्ट पार्टियां होती है, कम्युनिस्ट पार्टी वाज प्राइमरली सेकुलर, कम्युनिस्ट पार्टी प्राइमरली वो कैसी लगती है, सेकुलर होती है, मॉडर्न होती है, एंड आल्सो ऑथोरिटेरियन और सत्तावादी होती है। ये जो सत्तावादी पार्टी होती है कम्युनिस्ट पार्टी, इट अपोज कैपिटलिज्म, ये पूंजीवाद का विरोध करती है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं नेक्स्ट जो उसका डिफरेंस है, सोशलिस्ट पार्टी वांटेड मोर रेडिकल एंड एगलाइटेरियन नेचर ऑफ कांग्रेस, बिलीव इन नॉन वायलेंस। अब इसमें आप ध्यान दीजिए, सोशलिस्ट पार्टी कैसी होती है, मोर रेडिकल होती है, रूढ़िवादी पार्टियां होती है, एंड इजलेटेरियन नेचर ऑफ कांग्रेस, इजलेटेरियन नेचर ये होती है अवसरों की समानता, समानता के आधार पर जो नेचर है। देखिए जो एगलेटेरियन नेचर ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस की एक नेचर है, एक प्रकृति है, वो कैसी है, समान अवसर, सभी को समान अवसर मिले, इस विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है सोशलिस्ट पार्टी। बिलीव इन नॉन वायलेंस, और ये अहिंसा में विश्वास करती है। ध्यान दीजिए, सोशलिस्ट पार्टी वांटेड मोर रेडिकल एंड एगलेटेरियन नेचर ऑफ कांग्रेस। जो सोशलिस्ट पार्टी होती है वो कांग्रेस की जो प्रकृति है, सत्ता इसमें समानवादी या जो सभी को एक समान अवसर देने के जो विचारधारा होती है उसके आधार पर चलती है, एंड बिलीव इन नॉन वायलेंस, और अहिंसा में विश्वास करती है। जबकि कम्युनिस्ट पार्टी आल्सो वांटेड रेडिकल नेचर ऑफ कांग्रेस, जबकि कम्युनिस्ट जो पार्टी होती है वो कांग्रेस की रेडिकल नेचर में विश्वास करती है, बट वेंट थ्रू वायलेंस टेक्निक इट्स एम, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो हिंसा का सहारा अवश्य लेती है। यदि अपने अपने लक्ष्य को पूरा करना पड़े और हिंसा की भी यदि जरूरत पड़े तो हिंसा को करने के लिए तैयार रहती है। तो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ये नॉन वायलेंस है, ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हिंसा का भी सहारा ले सकती है। ये डेमोक्रेटिक लोकतंत्र में विश्वास करती है, ये साम्यवाद में विश्वास करती है। आगे जो हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं वो है भारतीय जनसंघ और जो स्वतंत्र पार्टी है उन दोनों में क्या डिफरेंट है। आगे हम आपको बता रहे हैं भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी में क्या डिफरेंस है, भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी का डिफरेंस। उससे पहले हमने आपको अभी बताया था कि
सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी में डिफरेंस क्या है, तो भारतीय जनसंघ इट एम्फेसाइज ऑन द आइडियोलॉजी वन कंट्री वन कल्चर एंड वन नेशन। जो भारतीय जनसंघ जो पार्टी थी वो किस बात पर जोर देती, कौन सी विचारधारा पर जोर देती है कि एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र की विचारधारा पर जोर देने वाली पार्टी है। उनके अकॉर्डिंग एक देश एक कल्चर और एक राष्ट्र होना चाहिए। जबकि जो स्वतंत्र पार्टियों किस बात पर जोर देती है, इट एम्फेसाइज ऑन द फ्री इकोनॉमी, ये स्वतंत्र अर्थव्यवस्था पर जोर देती है। इसका मतलब है अर्थव्यवस्था में जो सरकार का जो हस्तक्षेप है वो नहीं होना चाहिए। इट एम्फेसाइज ऑन द फ्री इकोनॉमी एंड लेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट इन कंट्रोलिंग द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने में सरकार का कम से कम इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो ये स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की हिमायत ये एडवोकेट करती है, ये कि अर्थव्यवस्था स्वतंत्र होनी चाहिए, सरकार का उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। दूसरा जो डिफरेंट है भारतीय जनसंघ के अंदर क्या है, दिस कॉल्ड फॉर ए री यूनिटी ऑफ इंडिया, ये भारत को दोबारा से एक करना चाहती है। कैसे, इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान को दोबारा से एक करना चाहती है और एक अखंड भारत का निर्माण करना चाहती है पार्टी। जो भारतीय जनसंघ है, दिस कॉल्ड फॉर ए री यूनिटी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान को मिलाकर भारत को ये अखंड देश बनाना चाहती है। जबकि स्वतंत्र पार्टी, इट वॉज क्रिटिसाइज टू पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, ध्यान दीजिए जो स्वतंत्र पार्टी है गुट निरपेक्षता की जो हमारी नीति है उसकी आलोचना करती है, एंड फेवर टू हैव क्लोजर रिलेशन विद द यूएसए, और यूएसए से वो नजदीकी संबंध बनाना चाहती। इसका मतलब है कि ये कैपिटलिज्म को बढ़ावा देना चाहती। जो नॉन अलाइन मूवमेंट, जो नॉन अलाइनमेंट है, गुट निरपेक्षता की नीति का ही समर्थन नहीं करती स्वतंत्र पार्टी, और यूएसए से ये बहुत ही ज्यादा निकट के संबंध बनाना चाहती है। तीसरी बात है, इट वॉज ए कंसिस्टेंट एडवोकेट ऑफ इंडिया टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन। देखो लगातार जो भारतीय जनसंघ है ये एडवोकेट कर रही है, हमेशा ये कहता है कि भारत को अपने परमाणु जो हथियार है उनको विकास करना चाहिए, परमाणु हथियारों को बनाने की हितैषी है ये, मतलब उसको बनवाना चाहती है कि भारत को अपने परमाणु हथियार बनाने चाहते विकसित करने चाहिए। जबकि जो स्वतंत्र पार्टी है, दिस पार्टी क्रिटिसाइज सेंट्रलाइज प्लानिंग, ये जो स्वतंत्र पार्टी है वो केंद्रीय नियोजन, नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण एंड वन पब्लिक सेक्टर और सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर हस्तक्षेप नहीं चाहती। ये इन तीनों चीजों का ये आलोचना करती है कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, नेशनलाइजेशन का विरोध करती है, सेंट्रलाइजेशन केंद्रीय जो नियोजन है उसका विरोध करने वाली पार्टी है। इसका मतलब ये डिसेंट्रलाइजेशन का बढ़ावा देना चाहती है। दिस पार्टी क्रिटिसाइज सेंट्रलाइज प्लानिंग, नेशनलाइजेशनिज्म एंड वन पब्लिक सेक्टर। अब देखिए ये पार्टी किसका विरोध करती है, केंद्रीय नियोजन का, राष्ट्रीयकरण का और सार्वजनिक क्षेत्र का पूरा विरोध करने वाली पार्टी है। तो आगे हम एक मैप का क्वेश्चन आपको और समझा रहे हैं, उसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसमें आप देखेंगे कि एक मैप मैं आपको समझा रहा हूँ जिसके अंदर इंडिया का मैप है और इसमें क ख ग घ और ड, ये ए बी सी डी ई एफ आप कह सकते हो इसको। तो इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें आप देखेंगे कि जो पहला क्वेश्चन है, आप देखिए पहले मैं क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन जो पढ़ रहा हूँ मैप का वो आप ध्यान दीजिए। नीचे देखिए भारत के रेखा मानचित्र में पाँच जगहों को ए बी सी डी ई द्वारा चिन्हित किया गया है। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर इनकी पहचान कीजिए और इसके सही नाम, उनके क्रम संख्या और संबंधित अक्षर लिखिए। अब मैं इसमें आपको मैप दिखा रहा हूँ कि मैप कौन सा है। आप देखेंगे कि मैप दिया हुआ है, इसके अंदर आप अच्छी तरह से इंडिया का मैप है और इसमें आप देखिए ए बी सी डी और ई, ये पांच स्थानों के ऊपर जो कुछ अल्फाबेट ए बी सी डी दी गए हैं, आपने इसमें पहचान करनी है। अब क्वेश्चन क्या है पहला कि भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर, आप इसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन है,
भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर से संबंधित राज्य कौन सा है? अब भारत की जो स्वास्थ्य मंत्री प्रथम स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी, और वो किस राज्य से संबंधित थी? आपको पता है कि वो पंजाब से थी। तो इसमें देखिए ए जो पॉइंट लिखा हुआ है वो कहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें आप देखिए, अब इसमें आपने पहचान करनी है कि भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर से संबंधित राज्य कौन सा है। अब आपने पता है कि राजकुमारी अमृत कौर पंजाब से रिलेटेड है, तो यहाँ आप देखेंगे कि बी ऑप्शन लिखा हुआ है, तो ये बी ऑप्शन वाला राज्य कौन सा है? पंजाब है। इसी तरह से जो दूसरा क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट नेता ए के गोपालन से संबंधित राज्य, अब इसमें आप देखिए कम्युनिस्ट नेता ए के गोपालन से संबंधित राज्य कौन सा है। ये कम्युनिस्ट नेता थे ए के गोपालन, और उससे संबंधित राज्य का नाम है केरला, और केरला कहाँ पर दिया गया है? ए पर दिया गया। तो ए के गोपालन कहाँ से संबंधित है? केरला से संबंधित है। इसी तरह से भारत के प्रथम संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई से संबंधित राज्य कौन सा है? भारत के जो पहले संचार मंत्री थे रफ़ी अहमद किदवई, उससे संबंधित राज्य कौन सा है? उसमें आप देखेंगे उससे संबंधित जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। यूपी है, जो किदवई थे वो कहाँ से रिलेटेड थे? उत्तर प्रदेश थे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने, इसी तरह भारतीय जनसंघ संस्थापक, अभी जो आपको पार्टी के बारे में डिफरेंस बताया था भारतीय जनसंघ, उसके जो संस्थापक थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उससे संबंधित राज्य कौन सा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी से संबंधित राज्य, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी वेस्ट बंगाल से रिलेटेड थे। तो आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में ई दिया हुआ है, तो आप वहाँ ई अंकित करेंगे। इसी तरह से प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी से संबंधित राज्य कौन सा है? जो हमारे प्रथम जो गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, उससे रिलेटेड राज्य कौन सा है? उसमें आप देखेंगे वो सी राजगोपालाचारी तमिलनाडु से रिलेटेड थे, तो वहाँ आपको सी पॉइंट दिया गया है। तो इस तरह से भारत का, इंडिया का मैप आपने लेना है, और इंडिया के मैप में जो ये क्वेश्चंस है, पहला कि भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर से संबंधित राज्य कौन सा है वो आपने अंकित करना है। इसी तरह से कम्युनिस्ट नेता ए के गोपालन से संबंधित राज्य कौन सा है वो आपको बताना है। भारत के प्रथम संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई से संबंधित राज्य कौन सा है वो आपको बताना है। और भारतीय संघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी से संबंधित राज्य कौन सा है? प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी से संबंधित राज्य कौन सा है? तो मैं इसके आंसर आपको बता रहा हूँ, भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर से संबंधित राज्य पंजाब था, कम्युनिस्ट नेता ए के गोपालन से संबंधित राज्य केरला, और भारत के प्रथम संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई से संबंधित राज्य उत्तर प्रदेश, और भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी से संबंधित राज्य, अभी आपको जो बताया है भारत के जो वो थे पश्चिमी बंगाल से रिलेटेड थे। और इसी तरह से जो फिफ्थ जो क्वेश्चन है, भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी से संबंधित राज्य कौन सा है, और वो थे सी राजगोपालाचारी तमिलनाडु से रिलेटेड थे। तो इस तरह से इन 5 क्वेश्चंस को आपने करके अपने मैप में अंकित कर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उसको अवश्य सेंड करें। थैंक यू।